बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। इस टाइम हम हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में और आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। मैं काफ़ी भागदौड़ में यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक्चुअली मैं अयोध्या अभी रामनवमी के समय चल रहा है, कल ही रामनवमी है और आज के दिन मैं पहुँच चुका हूँ अयोध्या। भाई यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, हर तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं और आज इस व्लॉग का एक स्पेशल मकसद है। आज ये व्लॉग एक स्पेशल व्लॉग होने वाला है। ये व्लॉग किस लिए है मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में श्री राम नवमी के अवसर पे हेलीकॉप्टर सेवा, यानी कि आप हेलीकॉप्टर से अब अयोध्या नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसको कवर करने के लिए मैं आ गया हूँ अयोध्या में और 15 डेज़ का ये पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है सक्सेसफुल तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलेगा, और अगर ये कंटिन्यूस बेसिस पे चलेगा तो आप हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हैं पूरे अयोध्या सिटी की और आप अयोध्या जी का जो ऊपर से दर्शन कर सकते हैं, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में देख सकते हैं। आई गेस कि यहाँ चूँकि ये नो फ्लाइंग जोन है तो ऊपर से किसी ने व्यू नहीं देखा होगा अभी तक अयोध्या जी का, तो ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है सरयू अतिथि गृह और यहीं से जो है हेलीकॉप्टर सेवा जो है यहीं पे आपको आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इस चीज़ का भी ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, जो भी है ऑफलाइन ही है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। अंदर में स्टाफ बैठा हुआ है हेरिटेज एविएशन का, जिनका कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी इंतज़ाम है वो करेंगे और इसको मैनेज कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी का जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो इसको मैनेज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 3000 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, पर इसका अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको नया घाट के पास स्थित ये जो सरयू अतिथि गृह है यहीं आना पड़ेगा और ये एक टूरिज़्म का जो है यूपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये स्टे है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं, यहाँ पर आपको रूम्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको एयरक्राफ्ट दिखाता हूँ, एयरक्राफ्ट बिल्कुल सामने में लगा है और देखते हैं क्या 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 चीज़ होने वाली है। लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी और वैसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि reservation@heritageaviation.in पे आप मैसेज करके आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी 28/3/2023 से प्रारंभ हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, शायम प्रातः 9 से शाम 6 बजे तक। तो ये सरयू अतिथि गृह के बिल्कुल सामने में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका हेलीपैड बनाया हुआ है, टेम्परेरी हेलीपैड है ये, और सामने इनका एयरक्राफ्ट आप देख सकते हैं लगा हुआ है। तो इस एयरक्राफ्ट से ही हमें अयोध्या का एक राउंड मिलने वाला है और ये नया घाट है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है नया घाट, अयोध्या का ये नया घाट एरिया है। और आप अयोध्या में आज भीड़ देख सकते हैं भाई, इस साइड भी पूरी भीड़ है और इस साइड भी आप देख सकते हैं ना, अयोध्या में पूरी भीड़ है, भीड़म भाड़ के बीच अयोध्या भरी हुई है। रामनवमी का त्यौहार है तो भाई भीड़ भाड़ तो होना लाजमी है। अयोध्या स्टेशन से अयोध्या जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर में पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ और भाई साहब भीड़ का कुछ नहीं कहना है, बंद है रास्ता। और जो राम कॉरिडोर है, राम मंदिर कॉरिडोर है, वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, उसके लिए भी जो कॉरिडोर में आने वाली घरें हैं दुकानें उनको तोड़ा जा रहा है ताकि उस रोड को और चौड़ा किया जा सके और उस पर कॉरिडोर बनाया जा सके। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ कि राम मंदिर कॉरिडोर भी बन के तैयार हो जाएगा।
Thank you.
हमारे पीछे है सरयू अतिथि गृह और 3000 रुपये लगे, इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो आपको ऑफलाइन बुकिंग ही करानी पड़ेगी। यहाँ पे आके सरयू अतिथि गृह पे आके आपको ऑफलाइन बुकिंग ही करानी पड़ेगी। 15 डेज़ तक अब ये राइड चलने वाली है। आज पहला दिन था, यानी कि आज है तारीख 29, तो 29 को पहला दिन था, कल है रामनवमी और 15 डेज़ तक लगातार ये चलने वाली। 3000 रुपीज़ इसका जो है टैरिफ है। 7 सीटर एयरक्राफ्ट है, एयरबस का हेलीकॉप्टर है 7 सीटर, जो कि कभी 7 कभी 6 लोग बैठा के ये लोग राइड करा रहे हैं। बाकी आप लगा लीजिए कि 5 से 8 मिनट की ये राइड होगी पूरी अयोध्या धाम की। राइड तो अच्छी थी, मज़ा भी काफ़ी आया इस हेलीकॉप्टर राइड में। तो आई होप कि आपको जो मैंने ऊपर से अयोध्या जी का एक व्यू दिया है वो अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।